तो दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम गणित की एक बहुत ही अच्छी पहेली के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों पहेली क्या कहती है, मेरे पास कुल 100 रुपए थे। इन 100 रुपए का मैंने दो तरफ हिसाब लिखा हुआ है, एक तरफ खर्च का हिसाब लिखा हुआ है, एक तरफ बचत का हिसाब लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब 100 रुपए में से मैंने 40 खर्च कर दिए तो मेरे पास कितने बच गए, 60 रुपए बच गए। ठीक है दोस्तों, 60 रुपए में से मैंने 30 रुपए और खर्च कर दिए तो मेरे पास बच गए 30 रुपए। अब 30 रुपए में से 18 और खर्च करने के बाद मेरे पास बच गए 12 रुपए। ठीक है, तो लास्ट में हमने 12 रुपए और खर्च कर दिए। ठीक है दोस्तों, तो बचत क्या बची है हमारे पास, 0। ठीक है, अब खर्च को अगर जोड़ते हैं, खर्च वाली लाइन को अगर जोड़ते हैं तो यहाँ पर हमारे पास बनते हैं 8 और 2 10, हसील एक, एक हसील था और 4 ये 5, 5 और 3 8 और 2 10। तो अब खर्च वाली लाइन का जोड़ आता है हमारे पास 100 रुपए। ठीक है, जो कि हमारे पास कुल 100 रुपए थे तो और खर्च वाली लाइन का जोड़ भी 100 रुपए आ गया। ठीक है दोस्तों, अब बचत वाली लाइन का जोड़ अगर हम करते हैं तो ये बनता है 2 और यहाँ पे बनता है 6 और 3 9 और 1 10। तो दोस्तों यहाँ पर ये 102 बन रहा है। यहीं पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि यहाँ पर तो खर्च वाली लाइन में तो 100 रुपए आ रहा है और बचत वाली लाइन में 102 रुपए कैसे आ रहा है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों ये पहेली आपको उलझाने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए ही बनाई गई है। इस पहेली को हल करते हुए आपको सिंपल सी बात याद रखनी है कि खर्च का और बचत का कोई भी कंपैरिजन नहीं हो सकता। अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो वो बिल्कुल ही इलॉजिकल होगा, ये दोनों कभी भी बराबर नहीं आ सकते। आइए इसको एक एग्जांपल से और अच्छे से समझते हैं। मान लो हमारे पास 20 रुपए हैं, कुल कितने रुपए हैं हमारे पास, 20 रुपए हैं। ठीक है दोस्तों, अब एक तरफ हम खर्च का हिसाब लिख देते हैं जैसे हमने यहां पे लिखा था, एक तरफ बचत का। ठीक है दोस्तों, अब 20 रुपए में से हमने खर्च किए 12 रुपए। ठीक है, तो हमारे पास कितने बच गए, 8 रुपए बच गए। अब 8 में से 5 हमने फिर खर्च कर दिए, हमारे पास कितने बच गए, 3 बच गए। ठीक है दोस्तों, अब 3 को हमने दोबारा से यहां पर खर्च कर दिया तो हमारे पास कितने बच गए, 0 बच गए। अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास यहां पर कितना आएगा, 12 और 5 17 और 3 20 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो खर्च का हिसाब तो बिल्कुल सही आ रहा है और यहाँ पर बचत का हिसाब क्या आएगा, 8 और 3 11। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बचत का हिसाब 11 आ रहा है, यहाँ पर 20 आ रहा है, दोनों बराबर नहीं आ रहे। दोस्तों यहाँ पर भी खर्च का हिसाब 20 आया, बचत का हिसाब 11 आया, दोनों अलग अलग आए, दोनों बराबर नहीं आए जैसे पिछले एग्जाम्पल में था। ठीक है दोस्तों, तो इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि खर्च और बचत का कोई संबंध नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, खर्च और बचत का हम कभी भी कंपैरिजन नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, तो आपको जब भी ये पहेली, इस प्रकार की पहेली आपके सामने आए तो आपको इसका उत्तर यही देना है कि खर्च और बचत का कोई संबंध, कोई रिलेशन, कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास कुल कितने पैसे थे और हमने खर्च कितने किए उसका तो संबंध है, पर खर्च की गई राशि का और बचत का कोई संबंध, कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, आइए इसको एक एग्जांपल से और अच्छे से समझ लेते हैं। दोस्तों मान लो हमारे पास 10 मीटर की एक लकड़ी है। ठीक है दोस्तों, ये एक लकड़ी है हमारे पास, उसमें से हम कुछ काट देते हैं, काटा और ये बचत। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। अब 10 मीटर की जो लकड़ी है उसमें से हम अगर 6 मीटर काट देते हैं तो हमारे पास कितना बच गया, 4 बच गया। ठीक है, अब 2 मीटर और काट देते हैं तो हमारे पास कितना बच गया, 2 बच गया। अब ये जो 2 मीटर था इसको भी काट देते हैं तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 0। ठीक है, अब दोनों को जोड़ देते हैं, यहां पर बनेगा 6 और 4 10, यहां पर बनेगा 4 और 2 6। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर 10 बन रहा है और यहां पर 6 बन रहा है, दोनों अलग अलग हैं। पिछले एग्जाम्पल्स की तरह ही यहां पर इस लाइन में तो बन रहा है 10 और इस लाइन में बन रहा है 6। ठीक है, अब काटा गया जो पार्ट है उसका और जो कुल हमारे पास लकड़ी थी वो, उन दोनों का तो संबंध बनता है पर काटे गए पार्ट का और बचत का कोई संबंध नहीं बनता, यानी खर्च का और बचत का यहां पर भी कोई संबंध नहीं है। आपको सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि जो हम खर्च कर रहे हैं उसका और जो बचत बच रही है उसका कभी भी कोई रिलेशन नहीं बनता, कोई संबंध नहीं बनता, इन दोनों का कंपैरिजन भी बिल्कुल गलत है। ठीक है दोस्तों, संबंध केवल कुल राशि का और खर्च की गई राशि का बनता है, खर्च की गई राशि और बचत का कभी भी कोई संबंध या रिलेशन नहीं बनता। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये पहेली अब अच्छे से समझ में आ गई होगी। जब भी आपके सामने इस टाइप की पहेली आएगी तो आपको सिर्फ यही उत्तर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।